देखिए काफी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। क्या बताया था मैंने आपको फॉर्मूला, हमने किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है हमारे पास फोर्स पर यूनिट चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी होती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास ही होती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमारे पास वही होती है जो कि फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने जो यूनिट्स पढ़े थे, यूनिट हमारे क्या थे, इसके फोर्स यूनिट्स हो जाएंगे हमारे पास न्यूटन और चार्ज हो जाएगा मीटर। तो इसके यूनिट्स हो जाएंगे न्यूटन पर मीटर, सॉरी न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम इसके यूनिट्स हो जाएंगे। अब टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखिए कैसे इस तरह से समझेंगे इस आर्टिकल को। हमारे पास सपोज मेरे पास कोई पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी के ऊपर मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और इस चार्ज को हम लोग बोलते हैं दैट इज अ सोर्स चार्ज। तो इसको हम लोग बोलेंगे सोर्स चार्ज। और यहाँ पे मेरे पास कोई एक भी चार्ज है, कोई भी एक पॉइंट है, और यहाँ पे मैंने कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, और इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज अ टेस्ट चार्ज। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट, इसको नहीं पी मानते हम लोग, यहाँ कह रहे थे कि मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है किसी पॉइंट पी के ऊपर। तो देखिए अगर आपको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पी के ऊपर, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज के कारण आपके पास फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स आपके पास लगेगा आउटवर्ड नॉर्मल, ठीक है। तो देखिए ये भी एक पॉइंट चार्ज है, ये भी एक पॉइंट चार्ज है, और इन दोनों के बीच में हम लोग कोई डिस्टेंस कह देते हैं कि आर हमारे पास कोई डिस्टेंस है। तो दो पॉइंट चार्ज के बीच में हमारे पास, तो मैंने क्या लगाया, मैंने फोर्स लगाया। तो सबसे पहले आपको फोर्स निकालते हैं, कूलम्स लॉ ने डेफिनेशन दी थी, तो यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम कूलम्स लॉ, क्योंकि कूलम्स लॉ ने यही तो कहा था कि दो पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है। तो वो हमारे पास रिलेशन क्या था, एफ इज इक्वल टू में के, कौन कौन सा चार्ज है, एक तो चार्ज है क्यू, दूसरा चार्ज कौन सा है क्यू नॉट, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दैट इज द आर पास क्यू, यही था ना हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये तो मेरे पास निकला फोर्स, पर हमें क्या निकालना है, हमारे पास आर्टिकल हमारे पास ये कहता है आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी देखो बेटा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारे पास फॉर्मूला होता है दैट इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज। यहाँ पे चार्ज कौन सा आता है, नीचे हमारे पास चार्ज आता होता है टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे मैंने हमारा जो आर्टिकल है, मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को कौन सा चार्ज एज्यूम किया है, क्यू नॉट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू में हमारे पास होगी फोर्स अपॉन में चार्ज। तो फोर्स हमारे पास पड़ा ही है, सिर्फ इस इक्वेशन को मैंने क्या करना है, क्यू नॉट से डिवाइड करवाना है। तो यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना आ जाएगा, वन अपॉन में क्यू नॉट, और फोर्स की वैल्यू आ जाएगी के क्यू इंटू में क्यू नॉट अपॉन में आर का स्केयर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आ जाएगी दैट इज के क्यू अपॉन में आर का स्केयर। तो ये हमने फॉर्मूला एज इट इज लर्न रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज हमारे पास कितनी होती है, ई इज इक्वल टू में के क्यू अपॉन में आर का स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अभी हमने इसे जस्ट प्रीवियस वाले आर्टिकल में मैंने क्या करवा था, उसमें हम लोगों ने ये किया था कि आपके पास क्या था कि यहाँ पे मेरे पास था एक सोर्स चार्ज, है ना, और यहाँ पे था कोई सोर्स चार्ज क्यू, और यहाँ पे मेरे पास क्यू नॉट था, यहाँ पर मैंने कोई टेस्ट चार्ज रखा था। तो हमारे पास ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जस्ट पहले वाला आर्टिकल क्या था, पॉइंट चार्ज के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें निकालना है सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अब आपके पास पॉइंट चार्जेस एक से ज़्यादा दिए हुए हैं, तो एक से ज़्यादा के लिए मैंने क्या किया, एक बार दो कंसिडर कर लिए। देखिए मेरे पास यहाँ पड़ा है क्यू वन, यहाँ पड़ा है क्यू टू, तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, दो के लिए एक बार ड्राइव करके लास्ट में हम उसको कह देंगे कि ये हमारे पास ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब एन चार्जेस के लिए हो जाएगा। क्योंकि दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए अगर आप दिखाओगे ना, तो यहाँ पर डेरिवेशन करने में आपको बहुत मुश्किल आएगी। तो इसलिए बहुत सिंप्लीफिकेशन हम लोग दो पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया, एक्स और वाई एक्सिस आपके पास दी हुई है, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट माना क्यू वन, और रीजन से हमारे को इसका डिस्टेंस कितना ले दिया, मैंने कहा आर वन डिस्टेंस है। सेम हमारे पास एक चार्ज है क्यू टू, और इसका डिस्टेंस हमारे पास आर टू है। किसी पी पॉइंट के ऊपर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो देखिए हमारे पास पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, तो क्यू वन से लेके पी तक का डिस्टेंस को हमने बोल दिया आर वन पी, क्यू टू से लेके P के डिस्टेंस को बोल दें मैं R2P। तो इस क्यू वन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ये E1,
और सेकेंड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है E2। तो देखिए बेटा ये प्लस वन का कॉन्सेप्ट है, मैं यहाँ बता देती हूँ थोड़ा सा कि अगर मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड E1 यहाँ लग रही है और एक मेरे पास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E2 यहाँ लग रही है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं ना, वो इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से लगती है। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इन दोनों का सम होगी, तो हमारे पास नेट एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी ई, जो कि हमारे पास सम हो जाएगी इन दोनों का। ठीक है, तो ये प्लस वन में हमारे पास पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करते हैं, तो ये वहां से आता है। ये एज इट इज रिजल्ट यूज करना है तुमने कि E1 है और E2 है, तो E इज इक्वल टू में E1 प्लस में E2 हो जाएगा। तो सिंपल है बिल्कुल, हमने क्या, हमारा टारगेट है कि हमने E1 निकालना है और E2 निकालना है, लेकिन हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो कितना होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा, और फोर्स कौन सा, सिंपल सी बात है, कूलम्स लॉ वाला। तो सबसे पहले हम लोग पी पॉइंट के पर फोर्स निकालते हैं ड्यू टू दिस वन चार्ज, और पी के पर भी हमारे पास कोई चार्ज पड़ा है क्यू नोट, जैसे कि हमने पहले वाले में किया था ना, हम लोगों ने टेस्ट चार्ज रखा था कोई क्यू नोट। तो सेम देखिए, सबसे पहले Q1 और ये Q0, तो इसके बीच में फोर्स निकालते हैं F1, तो कितनी आ जाएगी, इसको हम लिखते हैं दैट इज द K Q1 इंटू में Q0 अपॉन में डिस्टेंस कितना लेंगे, R1P का स्केयर और R1P का कैप, कुछ इस तरह से लेंगे। ठीक है, इसको आप कुछ इस तरह से लिखिए, ये हो जाएगा हमारे पास R² 1P। ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो कैप है, ये चीज हमारे पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर हमारे पास डायरेक्शन को बताता होता है। तो ये निकला मेरे पास F1, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो E इज इक्वल टू में, इस इक्वेशन को अगर आप क्यू नोट से डिवाइड करोगे तो देखो क्यू नोट वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो सिंपली मैं लिख दूं के Q1 अपॉन में R² 1P अपॉन में R1P का क्या। सिमिलरली ये तो मेरे पास क्या है, E1 आई। अब हम F2 निकालते हैं, देखिए F2 किस किस के बीच में निकालेंगे, ये Q2 और Q0 के बीच में फोर्स निकालते हैं, तो इसके लिए क्या लिखेंगे फॉर्मूला, के Q2 इंटू में Q0 अपॉन में R² 2P और R2P का क्या। बिल्कुल एज इट इज मैंने सेम लिखा, सेम फिर से यहाँ से मुझे क्या निकालना है, E2 निकालना है, तो E2 निकालने के लिए फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, F2 अपॉन में Q0। तो यहाँ से मेरे पास F2 की वैल्यू Q0 से डिवाइड करेंगे तो Q0 वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास के Q2 अपॉन में R² 2P और यहाँ पे आ जाएगा R2P का कैप। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी आ गई, E2 भी आ गई, तो मैंने क्या बताया था, यहाँ से रिजल्टेंट हमारे पास क्या लगेगी, दोनों का सम लगेगा। तो निकाल दीजिए सम, E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास E1 प्लस में E2, तो यहाँ से E इज इक्वल टू में के Q1 अपॉन में R² 1P R1P का कैप प्लस में के Q2 अपॉन में R² 2P और R2P का कैप, यही आएगा। और इसको हम सिमिलरली चेंज कर देंगे एन चार्जेस के लिए। तो देखिए फिर यहाँ से हमारे पास, इसके बाद हमारे पास हम लोग यहाँ से कर रहे हैं, दैट इज ई इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा, यहाँ से कॉमन कितना आ रहा है, हमारे पास के कॉमन आ रहा है, और अंदर हमारे पास टर्म बचेगी Q1 अपॉन में R² 1P R1P का कैप प्लस Q2 अपॉन में R² 2P और R2P का कैप। अब इसको हम लोग कर देते हैं किसी n चार्जेस के लिए कन्वर्ट, कितना आ जाएगा, यहाँ से सेम आ जाएगा Q1 अपॉन में R² 1P एज इट इज, ऊपर वाली टर्म को लिखेंगे हम लोग, और इसको हम लोग कर देंगे किसी n चार्जेस के लिए, अप टू Q n R² 1P R n P का कैप। ठीक है, हमने दो के लिए किया था रेफरेंस तौर पे, मैंने बताया था सिस्टम ऑफ पॉइंट के लिए करना तो उसको एन में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको क्या करते हैं, समीशन की फॉर्म में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, के इज इक्वल टू में समीशन ऑफ आई इज इक्वल टू में 1 से लेके एन तक। तो यहाँ पे हमने बाहर क्या निकाला था, बाहर हमने चार्ज निकाला था के Q1, ठीक है, हमने बाहर तो कुछ भी निकाला ना, के ही कॉन्स्टेंट ही पढ़ा है, के ही था सर बाहर। तो हमारे पास समीशन
कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा मेरे पास क्यू आई अपॉन में आर स्क्वायर आई, आर स्क्वायर आई पी, और ये आ जाएगा आर आई पी का क्या। तो हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे। आप देखिए हर बार आप क्या कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए। देखो एक बार पी को 1 पुट करेंगे, एक बार पी को 2 पुट करेंगे, देखो वही टर्म हमारे पास मिल रही है। तो नेट हमारे पास समीशन फॉर्म में आप ये आ जाएगा। देखिए वेरीफाई करते हैं, के एज इट इज है, क्या हुआ है की जगह 1 पुट कीजिए, 1 पी का स्क्वायर 1 पी का क्या फर्स्ट टर्म बन गई। इसी तरह से हमारे पास एन आई आई इज इक्वल टू में 1 से लेके एन टर्म के लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चार्जेस टू द सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो यहाँ से आप सिंपल इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप एक फॉर्म और भी कर सकते हैं। वो कौन सी, देखिए हमें पता है कि आर वन पी क्या आपको आप लिख सकते हैं, आर वन पी का वेक्टर अपॉन में आर वन पी का मैग्नीट्यूड, ये वाली फॉर्म हमारे पास होती है। तो यहाँ से हमारे पास अगर मैं इस वाली फॉर्म को इस इक्वेशन में पुट करूँगी तो हमारे पास कितना आएगा, ई इज इक्वल टू में के समीशन ऑफ आई इक्वल टू में 1 से एन क्यू आई अपॉन में, ऊपर आ जाएगा मेरे पास आर वन पी का वेक्टर, नीचे हो जाएगा आर वन पी का क्यू। तो आप इसको कुछ इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कोई भी अगर आपके पास एग्जाम में अगर आपके पास आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस के लिए बताना, तो कोई भी एक फॉर्म भी ड्राइव कर सकते हैं या दोनों भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।